माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने इस वीडियो में लेके आए हैं करंट अफेयर का मार्च का वॉल्यूम 2। इसमें हम आपको 15 क्वेश्चन कराएंगे, जो है अभी हाल में जो चीज़ें हुई हैं और जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इन सब चीज़ों की डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और इम्पोर्टेंट चीज़ को अपनी कॉपी पर नोट कर लें या फिर वीडियो को बार बार देखें। और आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी बटन दबाना ना भूलें। तो हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं। देखिए, करंट अफेयर मार्च पार्ट 2, ये हमारा सेकंड पार्ट है। हाल ही में चीन ने 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता ग्रहण की है। किसने की है? चीन ने। ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज। ये जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का लोगो है और ये अध्यक्षता हुई है उसका ये हॉल है। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौते द्वारा सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, और इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य स्थायी रूप से होते हैं तथा 10 सदस्य दो वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और 15 जो सदस्य होते हैं बारी बारी से हर महीने अध्यक्ष पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये हमने आपको डिटेल जानकारी दी इसमें। अब आगे चलते हैं हम लोग। लोकपाल को 30 दिनों के भीतर लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत का निपटारा करना होगा। अब गवर्नमेंट ने कर दिया है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर किसी के भी खिलाफ कोई भी कंप्लेंट करते हैं लोकपाल के पास, तो उसे 30 दिनों के अंदर अंदर यह कंप्लेंट पे पूरा निपटारा करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, ठीक है, के अधीन राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में किया गया। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, उसके अंतर्गत हमारा राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है। इस पर इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे हुआ है? ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में किया गया है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, अहमदाबाद का सरदार पटेल स्टेडियम, जिसको हम लोग मोटेरा स्टेडियम कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यह उत्तरी कोरिया के रनग्राडो मिडडे स्टेडियम के बाद विश्व का दूसरा बड़ा स्टेडियम भी है। ठीक है, देखिए, ये है हमारा मोटेरा स्टेडियम और ये है हमारा उत्तरी कोरिया का रनग्राडो मिडडे स्टेडियम। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात कि अभी हाल ही में जो ये मोटेरा स्टेडियम है, यह इसमें नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया, जो हमारे देश में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उनका इसमें स्वागत किया गया। मोदी जी और ट्रंप दोनों का संयुक्त रूप से संबोधन किया गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी नमस्ते ट्रंप का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो आपको ऑप्शन चुनना है मोटेरा स्टेडियम या सरदार पटेल स्टेडियम। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल की मोबाइल प्रशिक्षण टीम ने तमिलनाडु की
राजधानी चेन्नई में भारतीय तटरक्षक और सीमा शुल्क कर्मियों के लिए बेसल खोज तकनीक पर एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। ये आपको याद रखना है कि बेसल खोज तकनीक का प्रशिक्षण भारत में कहां पर किया गया, भारतीय तटरक्षक सीमा चेन्नई में, चेन्नई मतलब तमिलनाडु में, और किसके द्वारा किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। अब आगे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाती हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो देखिए, अभी हाल ही में एक दो दिन में ही सरकारी बैंकों को विनियमित करने के लिए आरबीआई को अधिक अधिकार प्रदान करने के लिए जो बैंकों के अधिनियम है में संशोधन किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों का एकीकरण मतलब एमलगमेशन चार बैंकों में करने के लिए मंजूरी दे दी। ठीक है, अब हम आपको बताएं कि यह जब एकीकरण हो जाएगा तो इस समय भारत में जो सार्वजनिक सेक्टर की बैंक है वो 12 रह जाएंगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, यह एकीकरण 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी बैंकें हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक का एकीकरण, ये दोनों मिलके पंजाब नेशनल बैंक में शामिल हो जाएंगी। सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक के साथ हो जाएगी, आपको याद रखना है ये, बिल्कुल बहुत अच्छा है। आंध्रा बैंक है जो वह, तथा कॉरपोरेशन बैंक, ये दोनों हमारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चली जाएंगी। इलाहाबाद बैंक का एकीकरण इंडियन बैंक के साथ में हो जाएगा। इसके साथ साथ जो बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा पंजाब एंड सिंध बैंक मौजूदा रूप से कार्य करते रहेंगे, इनका कोई भी विलय किसी में नहीं हो रहा। तो आपको याद रखना है ये कौन कौन सी हैं, ये चारों कंडीशंस आपको याद रखनी है, कौन सी बैंक किसमें विलय हो रही है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, एनटीपीसी है जो हमारी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने ईएचडीसी इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट में है, असम में है, मैं सरकार की पूरी हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया है। ठीक है, किसने लिया है, एनटीपीसी ने, किसमें, टीएचडीसी और नेपको। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। रक्षा और सामाजिक अध्ययन विभाग में प्रस्तावित चेयर ऑफ एक्सीलेंस का नाम भारतीय एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, किसके नाम पर रखा गया है, भारतीय एयर चीफ मार्शल थे हमारे अर्जन सिंह। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, केंद्रीय मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने हाल ही में 5G हैकाथन लॉन्च की। इस 5G हैकाथन को दूरसंचार विभाग ने सरकार शिक्षाविदों तथा उद्योग हितधारकों के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 फरवरी 2020 को ईज 3.0 वर्जन लॉन्च किया है। ये ईज 3.0 वर्जन क्या है हमारा, एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, ये इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात, ये किस चीज से रिलेटेड है, ई ऑफ बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है।
ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग तकनीक को सक्षम और स्मार्ट बनाना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। भारत की अग्रणी भुगतान और फिनटेक कंपनी पेटीएम ने बीमा खंड में प्रवेश किया है। जो हमारी पेटीएम है, जिससे हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, उसने अभी इंश्योरेंस कंपनी में भी अपना इंटरफेरेंस किया है, ठीक है। इसकी सब्सिडियरी ने भारतीय बीमा नियामक व प्राधिकरण, जो हमारी आईआरडीए है, से जीवन और गैर जीवन उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास ने कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने में देशों की मदद के लिए 12 बिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता पैकेज की घोषणा की है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और हमको ये चीज़ करंट में याद रखनी है। इसमें क्या याद रखना है आपको कि विश्व बैंक ने जो 12 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रोवाइड किए हैं, उसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा ने ए न्यू इरा फॉर गर्ल्स टेकिंग स्टॉक ऑन 25 इयर्स ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी की, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। बीसीसीआई ने भारत के पूर्व स्पिनर सुनील जोशी को राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष घोषित किया है, अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। तो जो बीसीसीआई के नेशनल सिलेक्शन पैनल है, उसके अध्यक्ष कौन है? हमारे स्पिनर हैं सुनील जोशी जी, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट आपको याद करना है, ललित कला अकादमी द्वारा नई दिल्ली में 61वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 4 से 22 मार्च तथा राष्ट्रीय कला मेला 4 से 9 मार्च का आयोजन किया जा रहा है। अभी जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है ये तथा राष्ट्रीय कला मेला, ये दोनों चीजें नई दिल्ली में आयोजित की जा रहे हैं। किसके अंडर में आते हैं? ये ललित कला अकादमी के अंडर में, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा करंट अफेयर पूरा तैयार हो गया। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और आप अच्छे से अपनी चीज़ों को नोट कर लेंगे। इसके साथ साथ आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी बटन जरूर दबाएं, ठीक है। इसी के साथ जय श्री राम।